खरगोन जिला मुख्यालय में बिजली संकट के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीती शाम को रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार के आने के बाद से बिजली की लगातार कटौती की जा रही है। अघोषित रूप से होने वाली इस कटौती से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कमलनाथ की सरकार स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यह सब बातें अब प्रदेश में मुद्दा बन चुकी है, जिसको लेकर खरगोन में पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परशुराम चौहान, सचिव राजेंद्र राठौर सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं और महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने हाथों में चिमनियाँ उठाकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे पर किए गए प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज चिमनी यात्रा निकाली गई, क्या मामला है? मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सारी व्यवस्थाएं अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर काजा के हालत पर हो रही है। बिजली की समस्या आम हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है, उसके बाद भी बिजली की आग बिचोली और बिना अघोषित बिजली का जाना, इस बात से सारी जनता परेशान है। इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने पूरा जिला मुख्यालय पर आज ये चिमनी यात्रा का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से सरकार को हम आगाह करना चाह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार कमलनाथ की सरकार इस संबंध में पूरी व्यवस्था करें, उन लोगों को ये जो परेशानी है उसको दूर करें। इसी के लिए